पसी जनसिगी जी जनसी पसी, मेरा क्वेश्चन है आज बहुत सारे मतलब के ऐसे हैं जो मतलब कि इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यीशु ने क्या बनाया था जी, ठीक है, और जिसको लेकर मतलब कि वो कई लोग तो ऐसे हैं जो मतलब कि अपने आज भी मतलब कि ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं और हाँ। कुछ मतलब कि तिमोथियस की पॉलुस जो तिमोथियस से बोल रहा है उसको उठाकर भी मतलब कि ड्रिंक वगैरह करते हैं जी। हाँ जी, तो मतलब मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि मतलब यीशु मसीह ने यूहन्ना 2 चैप्टर में क्या बनाया था, वो शराब बनाई थी या अंगूरों का रस बनाया था, डार्क रस जी। ठीक है, तो आप अपना नाम बताएंगे भैया? मेरा नाम बंटी है जी। ओके, तो बंटी जी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, वो यूट्यूब के मेरे वाले, और वहां पे पास्टर डैनियल टीचिंग ऑन दाखरस इंग्लिश में टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं बंटी जी, माफी चाहता हूं, क्योंकि अगर जी सुनिए ना भैया, अगर डिटेल में किसी को चाहिए तो यूट्यूब पे जाना होगा, लेकिन अगर आप एक लाइन में अभी सुनना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कभी भी जिसको अभी जो कहते हैं ना दाकरस, जिसका ये लोग मतलब निकालते हैं वाइन जिसमें अल्कोहल होता है, उसकी यीशु मसीह ने कभी इजाजत तभी भी नहीं दी थी, अभी भी नहीं दी है और आगे भी नहीं दी है। तो यीशु मसीह ने जिस दाकरस का इंटरप्रेट आज हो रहा है, ऐसा दाकरस या जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइन, कभी नहीं बनाई थी, और ना ही परमेश्वर ऐसी बातों को करता है या बनाता है, क्योंकि बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पियक्कड़ है, शराबी, वो कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल पाची, मेरे से ना किसी पास्टर ने मतलब बात किया था पाची जी, तो वो मतलब के पास्टर कह रहा था कि मुझे किसी ने बताया है कि मतलब कि आप ले सकते हो, मतलब कि वैसे नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पी लो जैसे पॉलुस ने कहा। तो मैंने उसको उसको वचन कोट किया अपने उसका यशाया 5:22 जी, तो वो कहते हैं यीशु ने बनाया, ठीक है, तो यीशु मसीह ऐसी चीज क्यों बनाएगा। राइट 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 जी, तो जी। मतलब मैंने उसको साफ मना दिया, और बाइबल कहते हैं कि शराबी लोग पियक्कर लोग मतलब के परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे जी, ठीक है। तो आज कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको समझ नहीं है इस बात की, और वो मतलब के कर लेते हैं ऐसे काम, क्योंकि कहते हैं यीशु ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई। राइट जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ये गुड्डू जेम्स का कव्वाली का एक लाइन है जो आपने अभी बोला। हाँ जी हाँ, लेकिन जिसने बोला ना गुड्डू जेम्स, उसकी भी हालत क्या है आप लोगों को अगर बता दिया जाए, जो कि मैं नहीं बताऊंगा अभी, तो बहुत परिस्थिति खराब है। ओके, नाउ इस टॉपिक पे नहीं आते हैं, लेकिन मैं वापस कहता हूं कि किसी प्रकार का कोई शराब या नशा, देखिए बंटी साहब और एक कनेक्शन दे रहा हूं, आप ही सुनिएगा और उनको भी शेयर करेगा। ऐसा सोचिए कि बाइबल के अंदर ऐसी कोई जिक्र ही नहीं है, शराब की पीने की ना पीने की जिक्र ही नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिगरेट पीना आप सभी जानते गलत है, क्योंकि आपका उसमें हेल्थ कैंसर होता है। तो अगर किसी ने पूछा बंटी जी कि बाइबल में सिगरेट का तो जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब कि हम सिगरेट पी सकते हैं? नहीं पी सकते जी। तो देखिए, जिसका नहीं लिखा है, आप और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स, बाकी जितने भी हेरोइंस, ये जितने भी नशे की चीजें, इसका तो जिक्र बाइबल में नहीं है। उसके बावजूद हम कहते हैं कि नहीं पीना है, गलत है। बट जो चीज लिखी है, स्पष्ट लिखा है कि पियक्कड़ जो शराबी हैं, वे व्यभिचारी हैं। मैं रेफरेंस दिखा सकता हूं, 1 कुरिन्थियों का 5:9 से, पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। निकालिए, बता देता हूं, 1 कुरिन्थियों 5:9 साथ दे दीजिए, साथ से दे दीजिए। ओके, एक काम करते हैं, वचन 11 से पढ़ते हैं बंटी जी, ठीक है बस। या वचन 11 से पढ़ते हैं, लिखा है पौलुस कहता है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, भाई का मतलब है विश्वासी, लिखा है व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, अब लिखा है पियक्कड़,
ये शब्द आ गया तो कहता है उनके साथ संगति मत कर और ऐसे मनुष्य के साथ में खाना भी ना खाना। अब ये जो शब्द है ना, खाना ना खाना, प्रभु भोज से भी हो सकता है, प्रीति भोज से भी हो सकता है। तो पियक्कड़ वाले के साथ तो वो तो गया मतलब नरक में, लेकिन हम मसीहों को कहता है कि ऐसों के साथ संगति तक नहीं करना। अब बोलिए बंटी जी। बिल्कुल बिल्कुल पासी, ऐसा है। हाँ जी, बहुत अच्छा पासी, बहुत अच्छा। क्योंकि इस बात को जानना बहुत जरूरी है मतलब के लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब के इस बात के लिए मतलब के बहुत मतलब के पास्टर लोग भी इन चीजों में फंसे हुए हैं पासी। राइट राइट राइट, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मैं समझता हूँ कि जब एडिट वीडियो बनेगी तो काफी लोग सीखेंगे, समझेंगे और प्रभु के राज्य में अपने आप को मजबूत करेंगे। राइट सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।